तो बोलो जय श्री राम। फॉलो करते हो आप? हाँ है। अरे बढ़िया, ये भी हमारे फॉलोअर थे। कैसे भैया, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। विशाल, तो कब से फॉलो करते हो? कई सालों से। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त हिमांशु राजपूत आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेकर, क्योंकि दशहरा आने वाला है तो मैं दशहरे की तैयारियां थोड़ा कवर करने वाला हूं आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो गाइस, अभी एक फ़नी मोमेंट हुआ। एक भैया मिले मुझे जो यहां पे बना रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भैया इस बार 5 रावण हैं। मैंने कहा 5 रावण कैसे हो सकते हैं? तो कहते हैं भैया आसपास भी दशहरा होता है तो वहाँ भी रावण यहीं बनाया जा रहा है। तो बाकी की देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है, ये है और इधर है, ये भी हो रहा था यार। बाकी के इनके जो ये तो नीचे के धड़ के नीचे की हिस्से हो गए। बाकी मैं इधर इनका फेस दिखा देता हूँ, जो कि ये रखे हुए हैं यहाँ पे और अभी तक ये उल्टे करके रख दिए। और देख सकते हैं उधर पैर बना के रख दिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी कॉलोनी में भी रावण वगैरह रखने का प्लान है उनका, तो आप यहाँ से ख़रीद के ले आ सकते हैं। घर पे आप लोग इतना इजीली इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे जितना ये ऑलरेडी हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके फेसेस ये हैं, तो ये आप क्लोज से देख सकते हैं, ये अभी रखे हुए हैं यहाँ पे। तो भैया मैं इनके पास आया हूँ, यही है भैया इसके पीछे के कलाकार और बनाने से लगे पड़े हैं। देख रहे होंगे आप कितनी मेहनत लगती है। और भैया तो आप जैसे देख रहे हैं उधर छोटे छोटे खड़े थे भैया, वो सेल होते हैं, ऑर्डर पे बन रहे हैं वो। तो लगभग कितना प्राइस रहता है उसका? 3500 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक। अच्छा, 3500 से 5500 तक के रेट के होते हैं वो। तो गाइस जैसे कि मैंने उधर साइड दिखाए थे खड़े हुए थे, तो भैया बता रहे हैं 3500 से 5500 का रेट रहता है और मेहनत बहुत रहती है यार, जायज़ है रेट भी। देख रहे होंगे यार हर चीज़ हैंडमेड होती है इसमें, ये नहीं कि आप कुछ भी बाहर से बना के लगा दोगे डायरेक्ट। एक एक पेज, एक एक चीज़, हर चीज़ अपने हाथों से लगानी पड़ती है और बहुत मेहनत लगती है यार। गाइस ये एक बना हुआ सैंपल टाइप का ही रखा हुआ, देख सकते हैं आप। अंदर बारूद लगाई जाती है और पूरा सेटअप बारूद का अंदर ही होता है इसमें, तो अभी वो लगाया नहीं गया है, खाली ये जगह छोड़ी गई है ताकि वो बाद में लग सके। तो ऐसे ही दिखता है ये अंदर से, बाकी कुछ वो ज़्यादा होता नहीं है। और एक ये है, मैं इधर दिखा देता हूँ, और भी हैं मैं दिखा दूँगा बाकी आपको। एक ये है, ये अभी बन के तैयार हो गया। बाकी क्या है कि आसपास का भी कहीं दशहरा सेलिब्रेट होता है तो वहाँ के लिए भी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतना रेडी करने का कुछ प्रबंध रहता नहीं है, तो यहाँ से ही वो लोग पिक करते हैं और आसपास लगाया जाता है दशहराओं पे के टाइम पे। तो देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल हल्का। आ जा जल्दी, अरे आ जा तू आ जा, स्ट्रेंथ नहीं जैसे ये हमारे वाले को। तो बोलो जय श्री राम। तो भाई आपका वो लड़का, कैसे भैया फॉलो करते हो आप? हाँ है। अरे बढ़िया भैया, फॉलोअर मिल गए हमारे। ब्लॉग में आओगे भैया आप? अलीगढ़ में भी ब्लॉग भी बना रहे हैं एक हम। कैसे हो? बढ़िया। हाँ। और बताओ, यही है ना? हाँ। एक बार ना। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो भैया तैयारी जोर शोर पे चल रही है, बल्ली बल्ली आ गई है, सब चीज़ बनाने का तैयारी चल रही है। और उधर भी थोड़ा कुछ तैयारी हुई है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बल्ली वगैरह सब कुछ लगा दी गई है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन जल्दी देखने आने वाला है यहाँ पे। और मैं अंदर का थोड़ा दिखा देता हूँ जहाँ पर ये लगने वाले हैं। तो इधर रहते हैं अपने VIP सारे अतिथिगण,
और इधर रहती है हमारी ऑडियंस पूरी, सारे लोग जो देखने आते हैं वो इधर रहते हैं, मेला टाइप का रहता है पूरा। और बाकी इस जगह पे ये खड़े करे जाते हैं यहाँ से यहाँ तक तीनों। और ये भी हमारे फॉलोअर थे। कैसे भैया, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। तो कब से फॉलो करते हो? कई सालों से भाई शर्मा रहा है। अरे यार ऐसे नहीं शर्माते, तो यहाँ खड़े रहेंगे यार ये। तो तुम भी देखने आओगे घर वालों के साथ? अकेले? घर वालों के साथ आ सकते हैं। सही है, तो यार सब लोग आओ और देखो, क्योंकि हर साल होता है और इस साल थोड़ा अच्छा होगा। बाकी यही उम्मीद के साथ ये ब्लॉग करते हैं एंड यहीं पे। और बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और जिन लोगों को नहीं पता उनको वीडियो शेयर कर देना, ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ भी वो देख सकें। थैंक यू।